सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों, पिंक टोन फोटो एडिटिंग करना, वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइटरूम ऐप की सहायता से। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कुछ स्टेप की पिंक टोन फोटो एडिटिंग करना, तो हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करें। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट कर लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। हेलो दोस्तों, सिंपली आपको अपना लाइट रूम ऐप ओपन कर लेना होगा और प्यारे दोस्तों, अपनी फोटो को लाइट रूम ऐप के अंदर ऐड कर लेनी होगी। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमने ये फोटो ऐड कर ली है। तो आज इस फोटो की एडिटिंग करके बताने वाले हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग से जो भी फोटो दोस्तों एडिट करना चाहते हो, उसको लाइट रूम ऐप के अंदर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप फोटो को ऐड कर लेंगे, आपके इधर साइड में कुछ इस तरह से एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको दोस्तों क्या करना होगा, आपको जो डिटेल का ऑप्शन दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों, आपको डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको ऊपर नॉइज का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली नॉइज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और आपको इसकी नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों +58, और इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों +33। और फिर सिंपली आपको कलर नॉइज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको कलर नॉइज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और आपको इसकी कलर नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों +55, और इसकी स्मूथनेस की वैल्यू को बढ़ा करके दोस्तों कर देंगे +84। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए हमारी फोटो एकदम स्मूथ हो चुकी है। तो अब आपको दोस्तों क्या करना होगा, अब आपको कलर टूल का ऑप्शन दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों, आपको कलर टूल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको दोस्तों ऊपर मिक्स टूल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको मिक्स टूल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और फिर आप लोगों को दोस्तों डार्क ब्लू टोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको डार्क ब्लू टोन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और आपको इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा -100। और फिर एक्वा ब्लू टोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना होगा। और आपको इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी कर देना होगा दोस्तों -100। अब दोस्तों क्या करना होगा, आपको ग्रीन टोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको ग्रीन टोन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और आपको इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा -100, और इसकी ह्यू की वैल्यू को दोस्तों कर देंगे -100। अब दोस्तों आपको येल्लो टोन को सेलेक्ट कर लेना होगा, और आपको इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों -100, और आपको इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देना होगा -100। और फिर आप लोगों को दोस्तों क्या करना होगा, आपको ऑरेंज टोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको ऑरेंज टोन को सेलेक्ट कर लेना होगा। और आपको इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों -10, और इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी कर देंगे दोस्तों +10। अब आपको दोस्तों ऊपर डन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और फिर दोस्तों कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको कलर ग्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखते रहना है, आपको वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो आपको जैसे ही कलर ग्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको दोस्तों सेलेक्ट कर लेना होगा शैडोस का ऑप्शन, और आपको इसको अपनी फिंगर से कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर लेंगे, इसको दोस्तों कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी ह्यू की वैल्यू को कर लिया है दोस्तों 323, और इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर लिया है 90। अब दोस्तों क्या करना होगा, आपको इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों बहुत हल्का सा, इसको कर देंगे 44%। और सिंपली आपको इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को दोस्तों कर देना होगा -18, और इसकी बैलेंस की वैल्यू को दोस्तों कर देंगे +3। अब दोस्तों आपको ऊपर डन का ऑप्शन दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों, आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और फिर सिंपली आपको इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू को दोस्तों कर देना होगा बहुत हल्का सा, इसको करेंगे दोस्तों बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे +11। और आपको इसकी दोस्तों
टिंट की वैल्यू को कर देना होगा प्लस 4, और फिर सिंपली आपको कलर टूल के ऑप्शन को कर देना होगा दोस्तों डन। अब आपको दोस्तों लाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, प्यारे दोस्तों आपको लाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, और फिर आपको इसके कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को दोस्तों हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे प्लस 13, और इसकी हाइलाइट्स की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों प्लस 20, और इसके शैडोज की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों प्लस 16, और इसकी व्हाइट्स की वैल्यू को करेंगे प्लस 24, और इसके ब्लैक्स की वैल्यू को कर लेंगे दोस्तों प्लस 32। अब क्या करना होगा, आपको लाइट के ऑप्शन को भी कर देना होगा डन। अब दोस्तों लास्ट स्टेप बचा है, बहुत ही ध्यान से देखना है। अब आपको सिंपली इफेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दोस्तों इसकी डीहेच की वैल्यू को कर देना होगा प्लस 17, और इसकी क्लियरिटी की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे प्लस 26, और इसकी टेक्सचर की वैल्यू को कर लेंगे माइनस 21, और फिर विग्नेट का ऑप्शन प्यारे दोस्तों दिख रहा होगा, आपको विग्नेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और फिर आपको इसकी अमाउंट की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों, इसको बहुत हल्का सा करेंगे माइनस, इसको कर लेंगे माइनस 78, और फिर आपको इसके मिड पॉइंट की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों प्लस 40, और फिर आपको इसकी फीचर की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों प्लस 100, और अब आपको इसकी हाइलाइट्स की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों प्लस 100। अब सिंपली आपको इफेक्ट्स के ऑप्शन को भी कर देंगे डन। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारी बिफोर फोटो दोस्तों कैसी थी, और एडिट होके आफ्टर कुछ इस तरह से हो चुकी है। आपको जूम करके दिखा दूँ, ये हमारी फोटो दोस्तों एकदम परफेक्ट रूप से एडिट हो चुकी है। तो इसको गैलरी के अंदर सेव करने के लिए आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा, और इस पर क्लिक करते ही आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और इस पर क्लिक करते ही आपकी फ़ोटो दोस्तों आपके एल्बम में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।